हर्षु मालविया ये इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से, लेकिन इस समय रशिया के नैलचिक शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे पेज पर भी जुड़े हुए हैं। और इन्होंने हमारी यह एक रिक्वेस्ट को आज एड्रेस करते हुए आज ये हमारे साथ शो में हमारे साथ जुड़े हैं। तो हर्षु, वेलकम ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, वेरी गुड इवनिंग सर। तो रशिया सर में, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू सर यू टू ज्वाइन करने के लिए। रशिया में कैसे पूछूं मैं आपसे, कैक्वे? हाउ आर यू रशिया में कैसे कहते हैं, कैक्वे? करोशो। वैसे खरोशो, ऑल गुड ओके, तो सर। हर्षु क्या आप कर रहे हो कोई आप? मुझे थोड़ा सा बताइए, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में और मुझे बताइए थोड़ा सा। दा हर्षु, आपका आपका वीडियो स्टॉप हो रहा है। हेलो, आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू। हर्षु, आई थिंक वी हैव टू कनेक्ट अगेन। आपका हेलो, नो सर, सर आवाज आ रही है सर आपकी। और आपका वीडियो चला गया है हर्ष। सर आ रहा है, अब आ रहा है, आपका आ रहा है सर। अच्छा, अब आ रहा है आपका वीडियो। हाँ, तो हाँ हर्ष सर, मेरे आपका इंट्रो के टाइम पे आपका वीडियो एरर बता रहा था सर। खैर आपकी आवाज आ रही थी सर। को, अच्छा तो हम मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके कॉलेज के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, आपकी जो मेडिकल की पढ़ाई है, आपके शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए हर्ष। सर मैं कबार्डिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सर, नालचिक शहर में। ये रशिया के साउथ में लोकेटेड है और यहाँ पे सर मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ हम टोटल 500 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे फिलहाल तो सब बढ़िया है सर यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी इज ऑफ है, हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके हमारा सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं सर। अच्छा, तो आपके शहर में इस समय क्या हाल है कोरोना का हर्षु? सर यहाँ पे रशिया सर डेली बेसिस पे अपने नंबर्स रिलीज करता है। यहाँ का जो कबार्डिनो स्टेट है, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसे रशिया का एक कबार्डिनो स्टेट है। वहाँ पर जो पर्टिकुलर पूरे स्टेट का जो कोरोना की से जितने लोग इन्फेक्टेड है उनका नंबर है 192 के अराउंड आज की तारीख तक सर। और जिनमें से अलग अलग सिटीज में है, लेकिन जो पर्टिकुलर नालचिक सिटी है हमारी, वहाँ पे ऑलमोस्ट इसका नंबर 50 के अराउंड है। यहाँ पे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल से बड़ी जगह है ओके, सर। तो इस समय रशिया का, अगर मेरी जानकारी सही है, तो रशिया में लगभग 57,000 के आसपास टोटल केस आ चुके हैं और 500 के लगभग डेथ्स हुई है। क्या ये आंकड़ा आपको लग रहा है कि हाँ लगभग सर। सही है या फिर इसमें कुछ ऊपर नीचे आपको लग रहा है? नहीं सर, ये आंकड़ा सर जो रशियन फेडरेशन के द्वारा रिलीज करा सर, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्स नहीं हो सकता है सर, ये अप्रोप्रिएट आंकड़ा है सर जो रशियन फेडरेशन ने रिलीज करा सर। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि रशिया सेकेंड हाईएस्ट टेस्टिंग इन द वर्ल्ड कर चुका है सर। अमेरिका सर 44 लाख के समथिंग टेस्टिंग कर चुका है, 42 या 44 लाख के समथिंग टेस्टिंग कर चुका है, जिनके पास उनके पास उतने केसेस हैं। 7 लाख 8 लाख के समथिंग केसेस हो गए हैं। रशिया 22 लाख टेस्टिंग कर चुका है, जो कि अब यहाँ पे 58,000 इन्फेक्टेड लोग पॉजिटिव यहाँ पर निकल चुके हैं सर। और अगर ये इसकी डेंसिटी देखी जाए यहाँ पर कोरोना इन्फेक्टेड रीजन्स की, तो मॉस्को ऑब्लास्ट एक एकमात्र ऐसा रीजन है जहाँ पे कंसंट्रेटेड है ये इन्फेक्शन। लगभग लगभग 30 to 35,000 के अराउंड पीपल इन्फेक्टेड है मॉस्को एरिया में सर। ओके, तो आप बता रहे हैं कि लगभग रोजाना 1 लाख के करीब टेस्टिंग कर रही है रशिया। हाँ सर। तो रशिया में जितना मुझे लगता है कि ये प्रिमायरली जो कंसंट्रेटेड है, ये मॉस्को साइड जो उनकी राजधानी है, उस तरफ ज्यादा ये कंसंट्रेटेड है ना बीमारी? हाँ सर, मॉस्को एक सर एक मेजर टूरिस्ट हॉटस्पॉट रहा है हमेशा से, और सेंट पीटर्सबर्ग भी एक बड़ी सिटी है, मॉस्को के बाद उसी का नंबर आता है, वो भी एक मेजर टूरिस्ट हॉटस्पॉट रहा है सर। चाइनीज लोग ज्यादा मॉस्को ट्रेवल करते थे। जब मैं भी ट्रेवल करता था मॉस्को या मैं भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाता था, तो मुझे अधिकतर चाइनीज लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा दिखते थे सर। और उसके अकॉर्डिंग अभी तक देखा जाए तो मॉस्को में ही कंसंट्रेटेड है सर इस वायरस का इफेक्ट। तो
आपने कहा कि जैसे चाइनीज लोग वहां ट्रैवल करते थे, लेकिन मॉस्को मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो एक्चुअली वो एक ट्रैवल हब बन जाता है, तो डिफरेंट कंट्री से वहां ट्रैवल हब कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसलिए वो चांसेस ज्यादा आ जाते हैं बिजनेस को लेकर भी। तो हाँ सर आपके शहर में इस समय लॉकडाउन, मॉस्को तो पूरी तरह लॉकडाउन है, तो आपका जो नैलचिक शहर है वहां पार्शल लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, कैसी स्थिति है वहां पर हर्षु? सर, यहाँ पर पार्शियल लॉकडाउन है फिलहाल। तो रशियन फेडरेशन ने डिफरेंट हॉटस्पॉट्स बनाए हैं जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग, जहाँ पर जिस तरीके से केसेस हैं उनके हिसाब से वहाँ पे लॉकडाउन है। मॉस्को जैसी एरिया में कंप्लीट लॉकडाउन है। नालचिक जो हमारा शहर है सर, यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन है। जितनी भी सारी पब्लिक प्लेसेस है सारी बंद है। यहाँ पे थिएटर हो गया, ठीक है, जितने भी मॉल्स हो गए, जो मॉल्स में जितनी भी शॉप्स होती है सुपर मार्केट को छोड़ के सारी चीजें बंद है सर यहाँ पे। और तो मेडिकल शॉप्स खुली है, बाकी सब खुला हुआ है सर। और जो बड़े बड़े कैफे हैं वो सारे बंद है। आप मोटे मोटे तौर पे ये बता रहे हैं, क्योंकि ये छोटे शहर हैं या फिर जहां पर बीमारी की कंसंट्रेशन नहीं है, वहां पर हाँ सर, सिर्फ पब्लिक प्लेसेस और हाई गैदरिंग वाले प्लेसेस बंद हैं, उसके अलावा लगभग दुकानें, स्मॉल बिजनेस, वो सब चल रहा है। हाँ सर, स्मॉल बिजनेस वगैरह सारा चल रहा है यहाँ पे। इवन जो कैफे, जो छोटे कैफे हैं वो भी सारे चल रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे सर बाहर निकलने से कोई मना ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेन यहाँ पे है। दो बंदों से ज्यादा एक साथ तीसरा बंदा नहीं चल सकता यहाँ पे। पुलिस का भी अच्छा पहरा रहता है, लेकिन यहाँ की पुलिस वैसे नहीं है जैसा इंडिया में चल रहा है। वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन है। यहाँ अगर मान लो अभी आप 3 लोग निकल जाओ, तो क्या पुलिस हाँ डंडे मारती है, उठक बैठक कराती है, शूट एट साइट है, क्या कैसे उसको डील करते हो? नहीं सर, रशियन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहली बात तो पार्शियल लॉकडाउन है, दूसरी बात 3 से ज्यादा निकलते हैं तो, या फिर ग्रुप में निकलते हैं तो पुलिस वाले, जो अगर कोई देखता है पुलिस वाला या फिर कोई भी अथॉरिटी देखती है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं हम, और वो हमें समझाते हैं कि तुम्हें नहीं निकलना है 3 से 2 से ज्यादा। और 2 भी निकल रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकलोगे तुम। बैंक में जा रहे हो, बैंक खुले हैं, बैंक जा रहे हो तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है तुम्हें, और मास्क लगा के बाहर निकलो। और जब हम हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे रशियन फेडरेशन का हॉस्टल है, हम आते हैं तो एंट्रेंस पे हमको सैनिटाइज करना होता है अपने हाथों को, और फिर हम अपने रूम पे आते हैं। और मास्क कंपलसरी है कि बाहर लगा के बाहर जाना जरूरी है यहाँ पर। तो हर्षु, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड ईयर यस में सर। है, उम्र कितनी हो गई है इस समय? सर मेरी 22 ईयर्स हो गया उस कंप्लीट। 22 ईयर्स। यस तो जब सर। आप इस महामारी को देखते हैं, हालांकि आप अभी स्टूडेंट हैं, तो इस हाँ समय सर, मध्य प्रदेश, जो इंडिया की स्थिति अगर हम कंपैरिजन करें, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस समय किस लेवल पर काम हो रहा है? क्या आप एज ए नागरिक संतुष्ट हैं, एज ए डॉक्टर संतुष्ट है, या कोई सुझाव है आपका लोगों के लिए? व्हाट डू यू थिंक हर्षु? सर मध्य प्रदेश 5th या 6th स्टैंड पे कोरोना वायरस इन्फेक्टेड स्टेट हो गया है इंडिया में। और मेन कंसंट्रेटेड हब तो इंदौर हो गया है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनिशियली 23 मार्च को गवर्नमेंट चेंजेस हुए थे, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है वहाँ पे। और जितने भी अधिकतर IAS वगैरह हैं वो सारे इन्फेक्टेड है वहाँ पे। और लेकिन फिर भी वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अरविंदो वगैरह हॉस्पिटल्स हैं, MY हॉस्पिटल, इन्होंने अच्छा काम किया है टेस्टिंग को लेके भी और पेशेंट्स को लेके भी। एक इंदौर की घटना है बहुत शर्मसार करने वाली है, जो जो घटना हमारे सामने आई थी उस टाइम पे, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी डॉक्टर्स पे। उसको छोड़ के बाकी इंदौर में सब सही चल रहा है, लेकिन अभी भी केसेस आ रहे हैं इंदौर में, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग इतने तो समझदार है, क्योंकि इंदौर देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर है। वहाँ के लोग इतनी समझदारी रखते हैं कि कैसे डील करना है। कुछ बाहर के मतलब कोरोना में ऐसा है कि इंदौर में जितने भी नेटिव्स लोग रहते हैं उससे ज्यादा इंदौर के बाहर के लोग हैं, बिहार के हैं। मैं जब पढ़ाई करता था इंदौर में, जिस एरिया में मैं रहता था वहां पे बिहार से थे और मध्य प्रदेश के डिफरेंट पार्ट से थे, जॉब के लिए वो इंदौर आए थे। और अब ओके, वो सब लोग डील कर रहे हैं, और इंदौर से बहुत सी न्यूज आ रही है, क्योंकि इंदौर एक मेजर हब हो गया है कोरोना का। तो क्या टेस्टिंग रेट, क्या आप संतुष्ट हैं जो इंडिया में टेस्टिंग रेट इस अरे समय चल रही है? तो नो सर, इनिशियल मध्य प्रदेश का टेस्टिंग रेट था 500 टेस्ट पर डे। 7 करोड़ की आबादी है सर मध्य प्रदेश की, और उसके बावजूद भी 500 टेस्ट होते थे इनिशियल मार्च मंथ में। अब लेबोरेटरीज खुली है, 3 से 14 लेबोरेटरीज हो गई है मध्य प्रदेश में,
जो कि अब अच्छा टेस्ट कर रही है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से टेस्टिंग रेट बढ़ना चाहिए, वो अभी भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा हम जल्दी टेस्ट करेंगे, उतना हम मरीज को निकालेंगे। आईसीएमआर का कल एक बयान था सर कि हम पर 24 टेस्ट पे सिर्फ दो या एक कोरोना मरीज ही एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इससे ये टेस्टिंग। लेकिन अगर देखा जाए तो सर, एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, हम जितनी ज्यादा जल्दी टेस्टिंग करेंगे, हम अब दिन बढ़ते जा रहे हैं और टेस्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास मरीज भी उतनी क्वांटिटी में बाहर निकल के भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं परसों है सर, मोटे मोटे टेस्ट मोटे मोटे तौर पे यही है कि इस समय इंडिया में टोटल 5 लाख के करीब टेस्ट कुल हो चुके हैं ऑल हाँ अक्रॉस सर, इंडिया। हाँ सर, और देखा जाए तो बाकी नेशंस के कंपेरेटिव हम बहुत हल्की टेस्टिंग कर रहे हैं, और कहीं ना हाँ कहीं सर, इसकी कमी भी है कि हमारे पास टेस्ट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया नहीं कर पा रहा है। जो चाइना से किट्स आई है वो भी डिफेक्टिव निकली है, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर लूप होल निकल कर आ रहा है जिसे हमें समय रहते इस चीज को फिल करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। बट देख हाँ रहे सर, हैं सरकार और स्टेट्स अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। तो अच्छा, यस मुझे अब सर, आप ये बताइए कि आपका जो इलाका है इसके बारे में थोड़ा यस सा सर, बताइए। वहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रशिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बताते हैं, तो वहां कोई ऐसी चीजें हैं वहां पर या नहीं है, या फिर वहां पे लोग क्या अभी जा रहे हैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे, क्या है? लोगों को एक भ्रम रहता है रशिया को लेकर। सर पहली बात तो रशिया का जो लिटरेसी रेट है वो 99.8% है। पहली बात सर, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, समझदार है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, लेकिन कुछ लोग हद कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि सर, जितनी भी मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ सर, यहाँ 70-80% मुस्लिम एरिया है। क्योंकि हमारे जो आता है एरिया वो जॉर्जिया बॉर्डर के पास आता है, और जॉर्जिया से सटा हुआ सीरिया है, इराक है, ईरान है, तो यहाँ पे मुस्लिम कंसेंट्रेशन ज्यादा है अदर अदर रीजन ऑफ रशिया के कंपेरिजन में। यहाँ पे जितने भी मॉस्क है, चर्चेस है, सब बंद है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस में आते हैं, और यहाँ पे रशियन फेडरेशन के जो रूल्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इवन लोग समझदार है, वो नहीं जाते हैं इन सब जगहों पे। ना ऐसा यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स होते हैं, ना मीडिया के द्वारा यहाँ पे कोई बायस्ड चीजें बताई जाती है, और यहाँ पे ना न्यूज़पेपर उतना सर्कुलेट नहीं होता है। यहाँ लोग अपने काम से ज्यादा मतलब रखते हैं, और मतलब ऐसा कोई दिखावा नहीं है यहाँ पे। आपने कहा है कि न्यूज़पेपर सर्कुलेट नहीं होता, मतलब वहां पे न्यूज़पेपर छपता है ना? हाँ सर, छपता जरूर है, लेकिन ऐसा है यहाँ पे कि जैसे इंडिया में होता है कि सुबह 5 बजे से न्यूज़ वाला आया, डाल के चले गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न होता कंट्रीज में, रहता है। हाँ नहीं, उसमें तो हर दुकान के बाहर रहता है, मॉल सेंटर्स हाँ के हर बाहर, दुकान ट्रेन के बाहर रहता है, के बाहर रहता है, लेकिन या तो पैसे दे के या फ्री में लोग उठा सकते हो, राइट? हाँ, ये रहता है। क्योंकि नहीं तो आप कह रहे हो कि वहां पे न्यूज़पेपर नहीं छपता, लोग ऐसे समझ लेंगे वहां न्यूज़पेपर आता ही नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, आता है, न्यूज़पेपर तो आता है, मैगजीन्स भी आती है, डेली आती है, सब वहां कोई होता मंदिर है। वगैरह भी है पूरे नहीं सर, मंदिर नहीं है यहाँ पे रशिया में है कहीं? रशिया में सर, नहीं है रशिया में, नहीं, मंदिर नहीं है सर कहीं भी। आर यू श्योर? हाँ सर, मॉस्को रीजन कहीं नहीं है मेरे हिसाब से, तो कहीं नहीं है मंदिर यहाँ पे आप फिर गलत बोल रहे हैं मुझे जितना लगता है। सर, नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है। मेरे को 2 साल हो गए रशिया में सर, आप अच्छा, बता दो कहाँ पे। नहीं, मैं अधिकतर जितनी भी यूनिवर्सिटीज में इंडियंस है ना सर, सारी जगह जानता हूँ। अभी कितने तो इंडियंस हैं आपके यहाँ पे? सर हमारे यहाँ पे 500 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स है सर, फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक है बच्चे। अच्छा ठीक है, तो आपके यहाँ पे अस्त्राखान है कहीं पे? अस्त्राखान, ASTRA, अस्त्राखान, रशिया। अस्त्राखान, हाँ सर, ये एरिया वाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है सर, होगा सर। अस्ट्रा का नाम सुना है सर मैंने, बट लोकेशन उसकी पता नहीं मुझे। हाँ सर, यसन तुकी तो ये कुछ सिटीज है हाँ सर, जहां ये पे, सब यहाँ ये कुछ सिटीज मंदिर है है। जहां पे टेंपल्स हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि जनरली हर जगह पे लोग बना ही लेते हैं। तो एनीवेज, तो हम कह रहे थे हाँ कि सर, आपके कॉलेज के बारे में आप ये बताइए कि मैंने पहले भी काफी सुना है और हमारे दर्शकों के लिए भी, ये इतने लोग इंडिया से मेडिकल की पढ़ाई करने रशिया स्पेसिफिकली क्यों जाते हैं? सर इंडिया में पहली बात, हर साल नीट के एग्जाम के लिए 13-14 लाख स्टूडेंट अपियर करते हैं,
जिसमें से कुछ फ्रेशर्स होते हैं, कुछ ड्रॉपर्स होते हैं। फ्रेशर वो जो 12th पास आउट करके आते हैं, ड्रॉपर्स वो जो नीट की प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम देना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए। टोटल सीट्स लेकिन होंगे हमें, टोटल सीट्स सर इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स देखा जाए तो 10,000 के अराउंड ही है आउट ऑफ 13 लाख स्टूडेंट। हाँ, और प्राइवेट सीट्स मिला के सब टोटल 60 to 90,000 के अराउंड है। मतलब अभी कुछ गवर्नमेंट हर साल लगभग सिर्फ 1 लाख बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। हाँ सर, एमबीबीएस डॉक्टर 1 लाख बन सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज डेंटिस्ट्री है, अलग अलग फील्ड्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, इनमें जाते हैं कुछ बच्चे और कुछ नर्सिंग में चले जाते हैं। यार सिर्फ 1 लाख, अगर हम इंजीनियर्स की बात लें तो 1 लाख तो इंजीनियर कॉलेजेस होंगे मुझे लगता है कम से कम। हाँ सर, मेडिकल कॉलेजेस की सर कम है और गवर्नमेंट तो और भी कम है। तो कुछ लोग हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि क्योंकि रिजर्वेशन है हमें सीट नहीं मिलती, जनरल वालों का ये रहता है। लेकिन अगर मान लो कि सारी सीट दे भी दी जाए तो 1 लाख मतलब कि फिर भी आप तो रह जाओगे जनरल वाले, तो इसमें रिजर्वेशन को लेके मुद्दा क्यों बनाया जाता है? सर रिजर्वेशन का ऐसा है कि जो एसटीएससी वाले होते हैं वो अधिकतर कुछ लोग प्रिविलाइज्ड होते हैं, एसटीएससी में भी कुछ लोग प्रिविलाइज्ड होते हैं जिनके पेरेंट्स अच्छी इनकम करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैं जिस गांव में रहता हूँ इंदौर के पास में, वहां पे भी एसटीएससी के लोग हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन वो एक आदिवासी एरिया में रहते हैं। तो रिजर्वेशन उनके हिसाब से भी ठीक है, लेकिन जो अगर देखा जाए सर तो रिजर्वेशन ठीक है अपनी जगह, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी ठीक नहीं है क्योंकि इतनी कम सीट्स होती हैं। अगर रिजर्वेशन अपनी जगह सही है तो सीट्स बढ़नी चाहिए सर। मैं आपसे, मेरा हमेशा, लोग हमेशा जब रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। क्वेश्चन ये मत पूछो कि रिजर्वेशन कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन ये पूछो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ इंडियंस उस साल कितने लोग हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर 1 करोड़ बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है और वो अगर सक्षम है तो हमारे पास उतनी सीट्स होनी चाहिए, राइट? यस सर, करेक्ट। तो मोटे मोटे तौर पर ये पता लगकर आया कि आपको एक करोड़ के आसपास, आप सॉरी 1 लाख के आसपास टोटल सीट्स आप बता रहे हैं। तो ओके, सो रशिया के कंपैरिजन में कैसे? सर रशिया के कंपैरिजन में देखो सर, जो फीस मेन एम रहता है किसी का भी, अगर किसी को डॉक्टर बनना हो, क्योंकि फीस बहुत मैटर करती है इंडिया में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 60 to 80,000 पर ईयर की फीस होती है, या पर सेमेस्टर की फीस होती है, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होती है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई एसटीएससी वाला हो तो वो अपने गवर्नमेंट पेरेंट्स से, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले कर सकते हैं, पर हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट सीट के लिए क्रैक करें। जितने भी लोग होते हैं वो करते हैं अपनी सीट्स के लिए, तो उनको प्राइवेट अगर अप्लाई कर पाते हैं वो, तो प्राइवेट के लिए पर ईयर मिनिमम 10 लाख से कम पैसा नहीं लगता है सर पर ईयर। ओके, तो आप कह रहे हैं कंपटीशन के साथ सर, अगर एक बंदा ओबीसी या जनरल है, उसने कंपटीशन फेस किया, उसने 720 में से 450 नंबर लाना जरूरी है उसको प्राइवेट के लिए भी। ओबीसी या जनरल कैटेगरी का बंदा 450 मिनिमम होना चाहिए उसको प्राइवेट के लिए, उसमें भी उसको 10 लाख फीस लगती है कम से कम। ओके, तो और यही जो फीस आपकी रशिया में कितनी है? सर यहाँ पे रशियन फेडरेशन, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी कम फीस है हमारी। यहाँ पे 2 लाख पर ईयर रुपीस के अकॉर्डिंग और 180 रूबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी फीस लगती है। और हॉस्टल अकोमोडेशन, हाँ सर, देख रहे हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा है कि लगभग मतलब कि 2 लाख रुपए 1 साल का मेडिकल के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, इंडिया के नहीं सर, देखो सर, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस और रशियन मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी। यहाँ की लाइफ स्टाइल अलग है और इंडियन मेडिकल कॉलेजेस हाईली इक्विप्ड है, लेकिन रशिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है मेडिसिन को लेके, और यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड होता है सारी चीजें, इसलिए यहाँ पे सारी फीसेस कम है हमारी। इवन हॉस्टल अकोमोडेशन हमारा बहुत कम है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है हर्ष? हाँ सर, जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना हम सर, तो यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, वो टेस्ट क्रैक करने के बाद ही हमारा एडमिशन होता है यहाँ पे। वो इतना हाई लेवल का नहीं होता है लेकिन कर लेते हैं, बेसिक साइंस आते हैं। नहीं सर, यहाँ आके देना पड़ता है।
तो यहाँ पे आते, मतलब कि लोग आते कैसे, मतलब पहले अगर किसी को अगर रशिया में परस्यू करनी है अपनी पढ़ाई तो उसका क्या तरीका है? सर उसका ये तरीका है कि पहली बात तो उसको नीट क्रैक करना जरूरी है। नीट का जो मिनिमम स्कोर होता है, जैसे कट ऑफ होता है उसका 720 में से 120 मार्क्स, 120 ये कट ऑफ मार्क्स है किसी का भी सिलेक्शन को लेके, और ये क्रैक करना जरूरी है एमसीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर तुम अब्रॉड जा रहे हो पढ़ने के लिए। और यहाँ स्टूडेंट वीजा 3 मंथ्स का लगता है, 3 मंथ्स का स्टूडेंट वीजे पे हमको आना होता है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी हमको 7 डेज का अकोमोडेशन देती है हॉस्टल में। तुम अपना टेस्ट क्लियर करो, एडमिशन करो, ठीक है, एडमिशन हो गया तुम्हारा, और फिर तुम अपना पासपोर्ट सबमिट करके वीज़ा एक्सटेंड करवा लो पर ईयर, फिर 1 ईयर का वीज़ा लगता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे, और हमारा हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह सब यही होता है फिर साइट। ओके, सो आर यू हैप्पी देयर हाँ सर, हर्ष? यस सर, अच्छा आई एम हैप्पी लगा। सर, यस सर। रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है आपकी या इंग्लिश में होती है? हाउ डू यू फील कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों को तो रशिया की ज्यादा न्यूज नहीं मिल पाती है, एक दो आम डील्स की न्यूज पता लगती है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। कैसा है थोड़ा सा वहां का, बताइए। सर रशिया में जिस रीजन में हम हैं, जहाँ पे कॉलेज हमारा है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 90-98% लोग उनकी रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं यहाँ पे, और रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। जितने हमारे टीचर्स, हमारी एक्चुअली जो एमबीबीएस की जो हमारी एजुकेशन हो रही है वो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है। हमारे टीचर्स हैं जर्मनी जर्मनी से आए हैं, कुछ कुछ रशियन टीचर्स हैं जिनको रशियन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हमको इंग्लिश में वो पढ़ाते हैं, और जितने ऑल ओवर रशिया सारी जगह रशियन ही चलती है, इंग्लिश बहुत कम है यहाँ पे। हाँ अच्छा, एक इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी इंडिया सर, में जो मीडिया है आप उसको देख रहे होंगे, तो एज ए हाँ यंग सर, स्टूडेंट, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आप हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय हमारा जो प्राइम टाइम मीडिया दिखा रहा है, जो नेशनल चैनल्स, जिनको क्या, आपको क्या लग रहा है एज ए यंग स्टूडेंट, आपको क्या लगता है देख? सर इंडिया का जो अभी जितने भी जिनका जो जितने भी जर्नलिस्ट है वो सारी चीजें जो प्राइम टाइम पे दिखा रहे हैं, अधिकतर जर्नलिस्ट बायस्ड चीजें दिखा रहे हैं। फिलहाल ये टाइम बायस्ड चीज दिखाने का नहीं है, ठीक है, पहली बात। और कम्युनलिज्म फैला रहे हैं कुछ मीडिया सर, मैं ये ओपनली कह सकता हूँ सर आपके साथ लाइव पे, कि बहुत सारे मीडियाज है सर जिनको गोदी मीडिया बोलते हैं सर, वो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं सर इंडिया में। इवन जो हुआ, जो हो रहा है, जो जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सारे ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, उन पे कार्रवाई हो रही है, जुडिशरी सिस्टम उस पे एक्ट कर रहा है, बट एक चीज को बड़ा चढ़ा के अलग अलग ढंग से दिखाना ये इंडियन मीडिया काम कर रही है। जो क्या मेन लगता चीजें, जो चैलेंजेस है इंडिया के सामने अभी कोरोना को लेके, वो चीजें दिखाना ज्यादा जरूरी है या फिर कम्युनिज्म फैलाना? तो आपको क्या लगता है इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं हर्ष, सर अगर ये पहली होता बात, रहा, या फिर जो दर्शक है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मोस्ट मेरे जितने भी फेसबुक पोस्ट होते हैं सर वो बायस नहीं होते हैं कभी भी, लेकिन जो मीडिया बता रहा है सर वो उसका दूरगामी परिणाम ये हो सकता है सर कि हमारे देश में मेजोरिटी हिंदूज है, अगर और मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज गोदी मीडिया देखते हैं सर, और उनके दिमाग में एक ही चीज भरी जा रही है, कम्युनलिज्म, और ये कम्युनलिज्म आगे चल के बहुत दिक्कत कर सकता है। हम चाहते हैं इंडिया, इंडिया के बहुत से लोग चाहते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बना जाए, हिंदुत्व राष्ट्र बना जाए, ये एक सब बायस्ड होगा, हमारा देश सेकुलर देश है पहली बात। दूसरी बात, जो लोग एक रिलीजन पे अपना वर्क कर रहे हैं सर, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, जिनके पास सिर्फ इस्लाम धर्म है, उनकी कंडीशन देखो, और जो यूरोपियन कंट्रीज है जो रिलीजन्स पे इतना फेथ नहीं रखते हैं, जो सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे देखते हैं सर, ये दोनों में बहुत फर्क है सर। इंडिया सेकुलर है तो ही आगे बढ़ सकता है सर, एक धर्म के बेसिस पे नहीं चलेगा, जो कि जितना कम्युनिज्म ये फैला रहे हैं ये सब गलत है सर। ओके, तो ये सिर्फ आप ही का मानना है, या फिर आपके जो साथ में आपके इंडियन दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, या लोग, आप लोग आपस में बात करते हैं तो क्या लगता है? या फिर आप, क्योंकि एक रशियन कम्युनिस्ट उस सरकार में बैठे हैं, इसलिए आपको ये बोलना पड़ रहा है? नहीं सर, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे, लेकिन ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सर, एक रशियन फेडरेशन जो गवर्नमेंट है सर वो भी एक डेमोक्रेसी पे चलती है सर, यहाँ भी ओके, लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते हैं। चाइना जैसा कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सब खुला
चल सकता है, मीडिया बोल सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं फ्रेंड्स के बारे में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं रखते हैं, यहाँ के तो नहीं है क्योंकि यहाँ सब अपना बिजी रखते हैं पढ़ाई में, मैं भी अपना पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जब मैं ये सब चीजें देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि यार इंडिया में इंडियन मीडिया इतने गंदे तरीके से मतलब परस्यू कर रही है, सारी चीजों को दिखा रही है, तो बुरा लगता है थोड़ा सा। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, कुछ फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट करते हैं और भक्त जिंदाबाद, वो अपोज करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, हम भी अपने कमेंट्स देते हैं, यही हर्ष चलता है फेसबुक पे फ्री टाइम पे, क्वारंटीन लाइफ में यही करना होता है फिर। आप मुझे बता रहे थे कि एक समय था, हालांकि आप ज्यादा अभी आपकी उम्र ही 22 साल की, लेकिन एक समय था कि जी आप भी भक्त थे। अब सर, आप भक्त नहीं हो। नहीं सर, मैं भक्त तो नहीं था लेकिन एक एक सपोर्टर था। एक होता है भक्त और एक होता है अनभक्त, ठीक है सर, अच्छा दोनों में डिफरेंस है। अच्छा क्या मैं डिफरेंस है? भक्त, भक्त कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है सर। मैं सपोर्ट करता था क्योंकि उससे अच्छा ऑप्शन कोई था नहीं उस टाइम तक। अच्छा अब लगता है मुझे एक ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा उसके अलावा अच्छा हमारे पास ऑप्शन अब भी है, पहले नहीं था, ठीक है लगता था, इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब जब चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो फिर चीजें समझ में आने लगी कि अच्छा ये सब चीजें नहीं है, ओके एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं है। ओके। ऐसी कोई एक चीज बताइए जिससे आपका माया जाल या भ्रम या सम्मोहन जिसको कहें वो टूटा, कोई एक ऐसी चीज। सर पहली बात तो जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं वो आइडियोलॉजी सबसे गलत है। अच्छा जो हमारे गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है कि मतलब भले गवर्नमेंट खुल के नहीं बताती हो लेकिन उनके कुछ मिनिस्टर्स बताते हैं, ठीक है, और फिर इवन अलग अलग मिनिस्टर्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, तो और कभी कभार तो झूठ होता है मेन, ठीक है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स झूठ बोल देते हैं, इवन उसके प्रूफ्स भी होते हैं, लेकिन हमारी मीडिया क्वेश्चंस नहीं करती है, सबसे अच्छी बात है उनके लिए, तो मेरे हमारी जो साथ मेन। ठीक है, तो हर्ष मतलब कि मेरे साथ कैसे आप जुड़े हो, मतलब कि आपको क्या लगता है कि हमारे पेज से आपको लगता है कि मैं भी बायस रिपोर्टिंग करता हूं, नहीं करता, थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ा सा कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? सर आपके पोस्ट मैंने जितने भी पढ़े हैं, आपसे पहली बात तो मैं जैसे मैं अपना फेसबुक कंट्रोल करता हूँ और मैं भी अपने कुछ पोस्ट शेयर करता हूँ, मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे ध्रुव सर है, वो लोग, वो सर आपका पोस्ट शेयर कर रहे थे, तो आपका एक पोस्ट पढ़ा मैंने, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने शेयर किया आपके कुछ पोस्ट, उनको पढ़ा मैंने, फिर आपके मैंने प्रोफाइल में जाके आपके सारे पोस्ट को रीड किया और देखा कंटेंट कि क्या आप क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ये कोई स्पाम तो नहीं है। उसके बाद फिर मैंने आपको फॉलो किया, फिर आप रेगुलर कंटेंट आने लगे, फिर आपका कोई एक मैसेज डला था तो सर मैंने उसको आपके लिए रिक्वेस्ट मांगी सर लाइव आने के लिए। ऐसा कोई कंटेंट जो आपको याद है कि मतलब कि हाँ भाई विकास ने ऐसा कुछ डाला कि सर आपके सारे कंटेंट काफी अच्छे रहते हैं, जैसे आपने एक बार डाला था कि आपने एक पोस्ट किया था कि मुझे अनभक्त बोलते हैं और नहीं कांग्रेसी बोलते हैं, और ये इंग्लिश में आपने एक पूरा कंटेंट डाला था, उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके मैंने अपने पोस्ट अपनी पोस्ट पे भी डाला था कि मुझे भी सेम टू सेम रिएक्शन मिलता है अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं फेसबुक के, ओके उन तरफ से, सारे से तो नहीं लेकिन गिने चुने से। अच्छा ठीक है। तो हर्ष आई थिंक हमने काफी समय ले लिया है, तो लेट मी सी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने घरों में हैं, मोस्टली इंडिया से या वर्ल्ड के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। मेरे को 1 मिनट दीजिए हर्ष, मैं देख लूँ अगर किसी के कमेंट्स आए हों और हाँ कोई। सर, बिल्कुल सर, तो फिलहाल कितने लोग रहते हो आप हर्ष? सर हम एक रूम में हम 3 जन रहते हैं और ठीक है। अच्छा रूम है सर, बड़ा रूम है हॉस्टल का, इंटरनेशनल हॉस्टल है हमारा। और खाना वाना? सर खाना तो अभी खुद ही बनाते हैं, पहले इंडियन मेस थी वहां पे खाते थे, अब क्वारंटीन लॉकडाउन हुआ उसके चक्कर में मेस भी क्लोज हो गया है फिलहाल, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे इंडियन मेस हुआ लेकिन करता सारी चीजें टाइम पे मिल जाती है यहाँ पे। हाँ सर, इंडियन मेस थी यहाँ पे, है है? सर है, एक्चुअली लॉकडाउन के कारण बंद है। वाह, ये आपको रशिया में बैठ के इंडियन कुक, वहां पर आपको स्पेशल इंडियन मेस मिल रही है, इससे अच्छा क्या होगा। हाँ हाँ सर, वेरी गुड। अच्छा खाना मिलता तो है।
लेट मी जस्ट क्विकली सी अगर किसी के कोई कमेंट्स आए हो, नहीं तो हम इस इंटरव्यू को रैप करेंगे उसके बाद। हर्ष, आपका कोई प्रश्न मेरे लिए है? हर्ष, सर आप से क्या पूछूं मैं सर, आप तो सारे आंसर अपने पोस्ट पे ही दे देते हैं। हाँ, जनरली मैं हाँ ये सर, इसलिए हूँ ताकि लोगों को जान सकूं। हाँ बताइए क्या है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर आप इन सब चीजों को कैसे डील करते हैं, अगर कोई फेक न्यूज आती है या फिर आपके 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 पोस्ट पे अनभक डील करते हैं, तो सर आपको उसको कैसे डील करते हैं, आप क्रिटिसिज्म कैसे फेस करते हैं सर? देखिए, मैंने इसके लिए सबसे एक सिंपल टेक्निक है। अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना। अगर आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया, तो कोई आपको अगर बहुत ज्यादा गाली देता है तो आपको बहुत ज्यादा डिजेक्ट भी नहीं होना। तो पहले आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी अच्छी चीज पे बहुत ज्यादा एक्साइट और अप्रिशिएट करके और एक्साइटेड हो जाएंगे, तो ये बट नेचुरल है कि जब कोई आपको गाली देगा, आपको कोई कहीं ना कहीं से कुछ आपको उल्टा शब्द बोलने की कोशिश करेगा, तो आप डिजेक्ट हो जाओगे। तो इस चीज के लिए द वर्ड वी यूज इज थिक स्किन। तो पहले तो उस थिक स्किन को हो जाता हूं। थैंक्स। और दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी लोग आकर कमेंट करते हैं, कुछ हाँ ट्रोल सर, आर्मी से भी आते हैं, कुछ लोग भक्त भी आते हैं, कुछ भूले भटके भी आते हैं, जिन जो पहले इग्नोरेंट है थे, जैसे आप जैसे कुछ केस, मैं बताऊंगा कि 98% वो गलत रहते हैं, लेकिन 2% उनमें भी मैंने करेक्शन रेट देखा है। मतलब कि ऐसी काफी जगह होती है कि वो 0.1% या कहीं ना कहीं कोई चीज सिखाकर जाते हैं, बताकर जाते हैं, तो वो अच्छी चीज हाँ है। बिल्कुल तो इसमें हमारे कहते हैं ना हिंदी में, निंदक नीरे राखिए, तो जो आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको तो बिल्कुल पास रखना चाहिए, लेकिन इंश्योर होना चाहिए कि मैं इंश्योर करता हूं कि जो गाली देता है या फिर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता, उससे मैं फिर सर। ज्यादा बातचीत नहीं करता। अगर कोई आकर कुछ कमेंट या क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो मैं उसको इनवाइट करता हूं कि आप प्लीज इलोबरेट करिए, ढंग से बताइए, मैं उसे प्रश्न पूछता हूं। अगर वो बताता है तो हाँ सर ठीक है, बिल्कुल अगर उसने आके सिर्फ मतलब कि वन साइडेड सर मार के जाना है दीवार में, देन आई लेट इट गो। यस सर, एंड बी वेरी गॉड फ्रैंक, सर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट्स नॉट एन हाँ इजी सर, थिंग। बहुत बहुत यस सर, हाइपर नहीं होना होता है इस सिचुएशन में। हाँ, लेकिन ठीक है यार, ये सारे मेरा मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि 10 से 15 साल, 10 से 15 नहीं तो कम से कम 10 साल से इनको फेक न्यूज की गुट्टी पिलाई जा रही है एक ऑर्गेनाइज्ड माध्यम से। तो आप ये सोचिए कि अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, सर, या तो इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल में होती है, तो इनकी 2 और 2.5 इंजीनियरिंग की डिग्री हो चुकी है 10 साल में। तो आप 1 मिनट में इनसे मिलके, आधे घंटे में आप इनको अपना ज्ञान नहीं समझा सकते, क्योंकि इनके पास 2.5 साल की डिग्री है। इसलिए आपको इनके यस साथ सर। रोज आधा घंटा, 15 मिनट, रोज 1 घंटा बैठना पड़ेगा और इतिहास से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, बड़ा बेसिक लेवल पे रिसर्च पे जाना पड़ता है इनको समझाने के लिए। और वो समझाते हुए एक चीज का ध्यान रखिए कि कहीं भी आप उसको मतलब कि इंसल्ट मत कीजिए। आप उसकी बात का विरोध कर सकते हैं, आप उसको बार बार बेवकूफ आपको कहने की जरूरत नहीं है किसी को। तो उससे क्या होता है कि आप उसको एक कि आधा घंटा बैठते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस टॉपिक पे करते हैं, आज हम इस टॉपिक पे करते हैं। यस वो कहेगा कि इस पार्टी ने ये गलत किया, अच्छा चलो मान लिया गलत किया, सही क्या है ये बताओ। तो सबसे पहले आपने अपना गोल पोस्ट जो है उसको फिक्स कर लो। अच्छा ये हाँ सही सर, है कि भाई इंदौर में हॉस्पिटल होने चाहिए, होने चाहिए, पहले थे नहीं थे, अब है नहीं है, तो आपको वो पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। अगर आप उनको धीरे धीरे बात करोगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, दे विल कम ऑनलाइन। लेकिन उसके लिए मेन चीज जो है, लोगों में पेशेंस नहीं है बात करने का, और वो बेचारे फिर दे एंड अप, मतलब कि हाँ ऐसा हो गया टीचर आ रहा है क्लास में और वो बच्चे को कह रहा है कि अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको समझाने के लिए आपको मोदी जी के फार्मूले लाने पड़ेंगे। वो सर कुछ तो एंड अप ऐसा करते हैं कि अगर उनसे बन नहीं रहा, उनके पास फैक्ट नहीं है, फिगर्स नहीं है, तो वो अब्यूज करके एंड अप कर देते हैं, उनका राइट कुछ नहीं हो सकता फिर।
हाँ सर, उनके पास फैक्ट, बात जैसे मैं फैक्ट पुट करता हूँ तो फिर सामने वाला नहीं कर पाता है, उस कंडीशन पे वो अब्यूज कर देते हैं और एंड कर देते हैं। उसी जगह पे उनको पकड़ना पड़ेगा, कोने में ले जाना पड़ेगा उनकी एब्यूस। उस समय वो बोलेंगे उसमें, यार देख यार मेरे को तेरे एब्यूस का फर्क ही नहीं पड़ रहा, चल तुमने मुझे कुत्ता बोला कोई बात नहीं, मैं कुत्ता सही, लेकिन हम चलो ये डॉक्टर की बात ही करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। जैसे उसने गाली दी, वो तरीका है ब्रेन वॉश करने का कि हम मुद्दे से हट जाएंगे। गाली हाँ सर, दी, हाँ यार मैं हूं कुत्ता हूं कोई बात नहीं, चलो अब इस पे बात करते हैं। मेन मुद्दा है कि आपके शहर में वेंटिलेटर कितने हैं, काम की बात करते हैं, जाओ। सरकार टीएमसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की हो, कल को आप बनेंगे प्रधानमंत्री हर्षू आपकी हो, ये बताओ कि इंदौर में वेंटिलेटर कितने हैं। ये जब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तब उनके दिमाग में आएगा। और इस पे एक पॉइंट और आता है कि अगर पॉसिबल है, अगर आप उसी शहर में हैं, तब तो बिल्कुल सर, भी फोन पे और इंटरनेट पे चैट मत कीजिए, सरकारी अस्पताल में लेके जाइए उसे और बिल्कुल देखिए कि सर, सरकारी अस्पताल की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी है तो दोनों को पता लग जाएगी, कि दोनों कह देंगे कि यार अगर कल को हमारी माँ बीमार होती है, क्या हम यहां पर एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर दोनों का आंसर हाँ है तो यानी कि वो सरकार सही काम कर रही है, वो है अगर सरकार। वो हाँ नहीं है तो यानी कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। तो यहां कुछ आपको ये जो बात करने के ढंग और तरीके बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन है ओके इसमें, हाउ टेम्पल इज रेलेवेंट, ये पर्सनल क्वेश्चन था, रिलेटेड टू रशिया। मैं बता दूं, ये रिलेटेड टू रशिया था कि रशिया में कहाँ पे कितने हैं, जो जो कि मुझे नहीं पता था, सर ने बताया यहाँ हाँ। यहाँ पे टेम्पल सर। तो वी वर जस्ट चेकिंग द डेमोग्राफी, द डाइवर्सिटी, नेसमिन नथिंग एल्स। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन है यस कि हर्ष कह रहे हैं कि सरकाज्म मे बी द टूल, यस दैट मे बी द टूल, लेकिन वो डिबेट्स में ज्यादा अच्छा लगता है सरकाज्म हर्ष, लेकिन पर्सनल यस लाइफ में, वन टू वन में सरकाज्म माइट नॉट हेल्प यू, उसके लिए आपको इमोशनल टच ज्यादा करना पड़ेगा। फातिमा इजाजी पूछती हैं, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट आर बिट इन मिटिगेटिंग फेक न्यूज दैट हार्बर हेटेड इन आर सोसाइटी स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम्स। फातिमा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस पे एक सिंपल सा आंसर मैं आपको ये कहूंगा कि ईच वन टीच वन। अगर एक बंदा एक बंदे को समझाने की जिम्मेवारी ले ले, लेकिन बिल्कुल सर, वो समझाने की जिम्मेवारी आपको, फिर आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि मोटे मोटे तौर पर लोग कंक्लूजन समझाने लग जाते हैं, जैसे होता है ना मैथ की थ्योरम्स होती है कि सिर्फ थ्योरम के फार्मूले याद है उनको, पूरी थ्योरम कैसी डिराइव होती है वो नहीं पता होती। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमें थ्योरम के अंदर जाना पड़ेगा, वो कैसे डिराइव हो रही है वो समझना पड़ेगा। किसी भी चीज की चलो डिटेल में जाके ही उसके बारे में पता चलेगा सर। राइट, तो रशिया में इस समय क्या समय हो गया आपके हर्ष वहां पर? सर यहाँ पे समय हो रहा है 8:30 बज रहे हैं सर, रात के। हाँ रात 8 बजे। वेरी गुड हर्ष। सो सर, अब थैंक यू हर्ष, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका शो थैंक पर यू आने सो के मच सर, लिए, रशिया के बारे में थैंक यू जानकारी सो मच देने। सर। एक एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताइए कि आप सीरिया के आसपास आप है, वहां कैसा माहौल है? जो हम पिक्चर्स देखते रहते हैं सीरिया में ये हो रहा है, बॉम्बिंग, हमेशा एक एक परस्पेक्टिव है, आपको वहां बहुत क्लोज है, क्या वहां पे है एक्चुअली में, क्या चल रहा है? सर यहाँ पे सीरिया के कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सर, यहाँ पे जरूरी नहीं है जो हम देखते हैं बॉलीवुड में कि सब टूटा फूटा है और रायट्स हो रहे हैं 2400 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सब नॉर्मल होता है सर। लेकिन पिछले कुछ समय वहाँ पे कुछ सिटीज में नॉर्मल नहीं था, सीरिया एक पूरी कंट्री है सर, अच्छा तो नॉर्मल होता है सारी चीजें। वो जो राइड्स वगैरह हुए थे पिछले कुछ सालों में सीरिया में, रिफ्यूजीज बाहर हुए थे वहां से, अलग अलग कंट्रीज ने उन्हें बना दी थी सर उस टाइम पे, तो उस टाइम पे दिक्कत थी। लेकिन सीरिया एक होल एक कंट्री है, उसके एक पर्टिकुलर सिटी में राइड्स वगैरह हुए थे या फिर एयर स्ट्राइक वगैरह हुए थे वहां पे, बट जितनी भी अलग अलग सिटीज है वहां पे सारी चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है लोगों की, और बच्चे वहां से भी बाहर पढ़ने आते हैं, ओके और वहां पे भी कोरोना का बहुत कम केसेस है वहां पे ऑलमोस्ट।
कोई फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? सर फाइनल मैसेज मेरा सबके लिए यही रहेगा कि जो भी, मैं एक इंडियन हूँ पहली बात तो जितने भी इंडिया में हैं, मैं इंडिया से बाहर हूँ, आप सब घर पर रहिए, सेफ रहेंगे और अपना अपना और अपने का ख्याल रखें वहाँ पे। एज अ मेडिकल स्टूडेंट साफ सफाई रखें, हाथ धोए समय पे, साबुन से हाथ धोए मेनली, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें। थैंक यू वेरी मच हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों इसी के साथ आज हम अपने चौथे एपिसोड का समापन करते हैं। अगर आप साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त विकास सतन गोयल आपको अलविदा कहता हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद सर। थैंक यू।